यूपी के जनपद कन्नौज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आपको बता दें कि जनपद कन्नौज के डम्परपुरवा में स्थापित राजकुमारी मेवाराम इंटर कॉलेज में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व चेयरमैन दिनेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने आपसी सहयोग की बात कही तो वहीं पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी ने शिक्षा के प्रति जागरूक होने की बात कही। इस मौके पर सपा के प्रदेश सचिव विनय श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। वहां पर उन्होंने बच्चों को खेलकूद और देश के प्रति अपनी आस्था भाव को भी जागरूक रखने की बात कही। कार्यक्रम के संचालक दीपक यादव रहे। इस मौके पर क्षेत्र के कई सम्मानित लोग भी मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहां पर उन्होंने बच्चों को खेलकूद और देश के प्रति अपनी आस्था भाव को भी जागरूक रखने की बात कही। कार्यक्रम के संचालक दीपक यादव रहे। इस मौके पर क्षेत्र के कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। तो हमारे पूर्वजों ने हमारे देश को आजादी दिलाई, हमें वो आपको आजाद कराया, उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत खून बहा। हर रात के हमारे देश के नौजवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, सिर्फ एक ही लक्ष्य देखा कि हमारे आने वाली नस्लों को आजादी मिले। 70 साल पहले जब हमारे नौजवान रहा करते थे तो वो देश की लड़ाई लड़ा करते थे, अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ा करते थे, अपनी मां बहन की आगे बचाने की लड़ाई लड़ा करते थे। हम लोग अगर ये कल्पना कर लें कि हमें अपने अपने घर में लड़ाई नहीं लड़नी है, जब हम अपने घर की लड़ाई को साथ साथ लेंगे तो पूरी ये कोशिश है कि हम अपने पड़ोसियों की लड़ाई साथ कर लेंगे। जिनके घर में सुख शांति रहती है, चाहे भले दूध रोटी खाते हो, उनके घर में हमेशा लक्ष्य निवास करते हैं। जो मजा हंसी खुशी सुख शांति में है, हमारे पास चाहे चाहे की दौलत हो, लेकिन हम आपस में ही अगर कलह है तो हमारे लिए दौलत बेकार है। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए कन्नौज से अमित चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को केमिस्ट एसोसिएशन कटरा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को केमिस्ट एसोसिएशन कटरा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।